मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज नैब में पेश। हमजा शहबाज के साथ आए दीगर अफराद को दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर से मुख्तलिफ अकाउंट से मुतालिक पूछगिछ होगी। लीगी कारकुनान की हमजा शहबाज से इजहार यकजहती। नैब दफ्तर के बाहर नारेबाजी। सीसीपीओ ऑफिस के बाहर डकैती का मामला। पुलिस चार माह बाद भी मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया मगर रकम बरामद न हो सकी। मरकजी मुलजिम लूटी गई रकम लेकर मलाशिया फरार। ऑरेंज ट्रेन को पटरी पर आने से पहले ही ब्रेक लग गई। एलडीए ने मेगा प्रोजेक्ट के फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल कर दिए। 53 करोड़ से जायद रकम शौकत खान फ्लाईओवर खयाबानी जिना और अरीना सेंटर पर खर्च कर डाली। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। 7 माह बाद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गैर फाल। कमेटी सरबराह के लिए तयशुदा फार्मूले पर अमल दरामद नहीं किया गया। 24 कायमा कमेटियां ताहाल चेयरमैन से महरूम। शादी हॉल मालिकान भी एफबीआर के रीडार पर। एफबीआर ने 68 शादी हॉल्स को ऑडिट के नोटिस जारी कर दिए। आमदन के मुताबिक टैक्स अदायगी का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। और स्ट्रीट चिल्ड्रन डे पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जेर एहतमाम वॉक्स। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, वजीर जंगलात सत्यन खान, वजीर सनत मियां असलम इकबाल, आयशा सना की शिरकत। सारा अहमद कहती हैं बच्चों को सड़कों से स्कूल्स में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। सत्यन खान बोले बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उन पर तवज्जो की जरूरत है। मियां असलम इकबाल कहते हैं हुकूमत के साथ मिलकर टावटा बच्चों को तालीम फराहम करेगा।